और रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव पर सियासत जारी है। बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर तंज कसा कि कांग्रेस के उम्मीदवार तय नहीं होने पर उन्होंने कहा है कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में एक जगह चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस का ध्यान सिर्फ वायनाड पर है। उन्होंने कहा कि वायनाड से सब फ्री होंगे तब ध्यान आएगा कि कहीं और भी चुनाव हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का मतलब नेहरू खानदान है। सिर्फ फ्री होने के बाद उनको पता चलेगा कि देश में और कहीं चुनाव है। मुझे जो व्यक्तिगत तौर पर लगता है, क्योंकि कांग्रेस का मतलब नेहरू खानदान है और पहली बार चुनाव लड़ रही मतलब पूरा कांग्रेस वही है। कांग्रेस भवन के एक कमरे में बैठ के एक कमरे की राजनीति में एक खानदान की स्तुति हो सकती है, उससे ज्यादा की जानकारी नहीं जुटाई जा सकती। इसलिए उनके बयान प्रतिक्रिया के लायक नहीं रहते, लेकिन आप लोग पूछते हैं तो मैं दे देता हूं प्रतिक्रिया। और देखिए, आप उम्मीदवार खोज रहे हैं, हमारे निर्वाचन अधिकारी तय हो गए संगठन चुनाव के, रायपुर दक्षिण में आप कांग्रेस के उम्मीदवार खोज रहे हैं। इधर कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान अब तक नहीं किया है। कांग्रेस के कई नेता नामांकन पत्र खरीद रहे हैं, इसे लेकर सियासत भी हो रही है। इस पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान आया। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार घोषित करने में 4 दिन बाकी हैं। नामांकन के लिए कार्यकर्ता कैंडिडेट सभी तैयारी में है, जल्दी घोषित करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि जो दावेदार नामांकन पत्र खरीद रहे हैं वो पंडितों की राय पर ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव मेरे साथ हैं। सर, 25 तारीख रायपुर के लिए जो उपचुनाव होना है, रायपुर दक्षिण के लिए नामांकन की अंतिम तारीख आज 22 दिन, लेकिन कांग्रेस अभी तक तय नहीं कर पाई कि वहां पर किसको चेहरा बनाएंगे। 4 दिन बाकी हैं अभी तो नामांकन के लिए, तो कोई जल्दी वैसे मुझे नहीं लगता है कि है, सब तैयारी में है। सस्पेंस तो बना हुआ है ना कि कौन है, जो दावेदार है उनमें भी एक सस्पेंस है कि मैं टिकट लूं। पंडित जी लोग का भी रहता है ना साहित्य, कि इस साहित्य को अगर है तो आप डाल दो, तो अगर नॉमिनेशन नहीं होता है और वो साहित्य अच्छी है तो उन लोग डाल के फिर विड्रॉ कर लेते हैं। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि मतलब बिल्कुल 24 तारीख के आखिरी लम्हे पर ही उम्मीदवार कांग्रेस घोषित करेगी, सबको चौंका देगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मेरे ख्याल से पहले भी हो सकता है। लेकिन सर, इसी चीज का, क्योंकि आप लोग जो सस्पेंस कांग्रेस ने बना रखा है, इसी चीज का फायदा बीजेपी उठा रही है। वो कह रही है कि हमने तो अपना सब कुछ साफ कर दिया, उम्मीदवार घोषित कर दिए, नामांकन, कांग्रेस का दूल्हा कौन यही नहीं पता, बाराती तैयार है। उनको जल्दी रहती है हमेशा ऐसा दिखाने की कि हाँ हम ने पहले कर दिया। हम लोग को जल्दी नहीं है, निर्णय लेना है, बड़े निर्णय होते हैं ये,